है ये बात लग रही है ना। हाँ, ये तो मानती है अपना। हाँ, मानते हैं कि दरभंगा शहर में बुरी नजर लग गई है। देखिए, जो घटना घटी उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है। रमजान और रामनवमी को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन खासा सतर्क नजर आ रही है, कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को भी शहर के नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सामाजिक लोग और निगम के पार्षद के साथ साथ SDM, SDO और DSP आदि मौजूद रहे। इस बैठक में सदस्यों ने भी माना कि शहर के वातावरण को बिगाड़ने के लिए उपद्रवी तैयार हैं। ऐसे में शांति समिति के सभी सदस्यों को सक्रिय होकर प्रशासन का सहयोग करना होगा, जिससे कि असामाजिक तत्वों की मंशा सफल ना हो सके। और हरेक जब कोई त्यौहार होता है तो नगर थाना में शांति समिति की बैठक होती है, और मुहर्रम भी है और रामनवमी भी है। इसी अवसर पर शांति समिति का बैठक हुआ था, और किस तरह से शांतिपूर्वक शांति समिति में काम हो, DJ मत नहीं बजना चाहिए, और सद्भावना से शांतिपूर्वक दरभंगा में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए। इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति बैठे थे। इसी गाइडलाइन में कौन क्या किसको कहां करना है, कौन समिति आएगा, कैसा काम होना चाहिए, कोई विवादित काम नहीं होना चाहिए, इसी अवसर पर हम लोग शांति समिति में नगर थाना बैठे थे। आपको नहीं लगता है था कि कुछ दिनों से दरभंगा शहर को किसी की बुरी नज़र लग गई है? लग तो रही है ये बात। लग रही है ना? हाँ, ये तो मानती है अपना। हाँ, मानते हैं कि दरभंगा शहर में बुरी नज़र लग गई है। बराबर कुछ न कुछ अप्रिय घटना होती है। अभी आप शांति समिति की बैठक में आए हैं, क्या कुछ हुआ, क्या फैसले लिए? शांति समिति में सबसे पहले तो शांति समिति के जो लोग हैं उनको रमजान, रामनवमी और चैत्र पूजा की हार्दिक बधाई। शांति समिति में ये मामला तय हुआ। यहाँ पे SDO साहब थे, SDPO साहब थे, उन लोगों के भी शांति समिति के बीच ये मामला तय हुआ कि जो रामनवमी का झांकी निकलना है या फिर जो अखाड़ा निकलता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। कोई वर्गल DJ नहीं बजाएं जिससे किसी को भी आहत पहुंचे, या फिर कोई ऐसी झांकी नहीं हो जिससे किसी भी समुदाय को, मतलब ये टारगेट करके जो बनाया था उसको वो सब नहीं, वो ये उससे बचा जाए। दूसरी बात ये है कि जो भी शांति समिति के लोग हैं वो लोग एक्टिव रहें, और जहां से भी अखाड़ा निकलता है, कहीं पे कोई ऐसी बात भगवान न करे कुछ होती है, तो अविलंब पहुँच कर उसको शॉर्ट आउट करें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से रमजान के महीने में रामनवमी संपन्न हो सके। हाल के दिनों में जो कुछ इस शहर में घटना घटी क्रमबद्ध तरीके से, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो घटना घटी उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है। जो लोग यहाँ के सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, और एक काम प्रशासन ने जो काम किया, गिरफ्तारी किया है, मैं उस पर ये चाहूँगा कि जो लोग गलत तरीके से फंस रहे हैं उनके साथ पुलिस उस केस की समीक्षा करे, और जो लोग कल्पित हैं उनको सजा दे, ना कि किसी के कहने पर किसी, मतलब बेकसूर लोग का नाम दे दे। मैं चाहूँगा कि जो केस हुआ है उस पर दोबारा रिव्यू हो, और जो कल्पित है उनको पकड़ा जाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनको उसके से बड़ी किया जाए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जनगर पार्टी लोग। दिशा निर्देश दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, जो उनकी मांगें थी वो छोड़ी गई है, जो छोटी मोटी घटनाएं पूर्व में हुई हैं उसका निवृत्ति नहीं हो उसके लिए ताकीद की गई है, समझा गया है। फोर्सेज की नियुक्ति कहाँ होनी चाहिए पिन पॉइंटेड, ये डिसाइड किया गया है, और बाकी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। सर, पिछले बार रामनवमी के दिन ही डागरबाजी हुई थी, और इस बार किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? चौकस रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, सेंसिटिव प्लेसेस पर और अधिक व्यवस्था। सर, टावर पर पुलिस बल की कमी की बात सदस्यों ने बताई, इसको बढ़ाया जाए, मेडिकल टीम भी रहेगी। सर, सभी थानों में शांति समिति की बैठक होती है, लेकिन अश्लील गाने बजाते हैं जो DJ वाले हैं, उन लोगों को कभी क्यों नहीं बुलाया जाता शांति समिति में? उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, नशा जो